मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बची है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी की वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा हो। लोग और मैं आया था कि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है। आज पार्टी के लिए वो क्षण है जिसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है, और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार हैं, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। इस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर, जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हाल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा। पटेल नगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बात राजकुमार अनंत जानते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे।